तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन चल रहा है उसमें पहले और दूसरे दिन कितने एडमिशन हुए हैं सब बताऊंगा इस वीडियो में। थोड़ी और भी होगी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लेकर चर्चा, कुछ थोड़ी न्यू अपडेट भी है, तो चलिए सब बताऊँगा। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट अपडेट के साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि एडमिशन की, जो दो दिन हो गए एडमिशन चल ही रहे हैं और अब भी, मतलब अगर आपने भी एडमिशन नहीं लिया है तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने और जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने की कृपया करें। अब बात करता हूं इन दो दिनों में कितने एडमिशन हुए हैं। प्रथम वर्ष के लगभग 25,000 छात्राओं ने एडमिशन ले चुके हैं। मंगलवार को भी 7,972 एडमिशन हुए हैं, जिसमें कि जितने भी एडमिशन ऑनलाइन हुए हैं वे इसमें काउंट नहीं किए गए क्योंकि उनका डाटा शायद यूनिवर्सिटी को बाद में भेजा जाए। कॉलेजों के पास उनका डाटा सुरक्षित है क्योंकि तीन ही ऐसे कॉलेज हैं, मेरठ डीएन कॉलेज और एक कॉलेज और है एनएएस कॉलेज। इन तीन पर ही ऑनलाइन एडमिशन चल रहे हैं, इनका पास अभी, इन्होंने अपना डाटा यूनिवर्सिटी को नहीं भेजा है। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर ट्रस्टेड न्यूज़ ही मिलती है और फेक न्यूज़ नहीं मिलती, बल्कि ट्रस्टेड न्यूज़ ही मिलती है जो सही होती है। तो चलिए कर दीजिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब, करते हैं वीडियो शुरू। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. तो अगर अब मैं बात करूं कि कितने किस जगह कितने एडमिशन हुए हैं, मतलब सब, मतलब कोर्स के लिए, तो अगर मैं बात करूं बीए में 8,548, बीकॉम में 3,554, बीएससी बायो में 1,324 और यहां पर बात करूं बीएससी मैथ्स में 906 एडमिशन कुल दो दिन में पूरी यूनिवर्सिटी में, बहुत कम। बीएससी स्टेटिक्स की बात करूँ तो कुल 49, बीएससी अगर एजी की बात करूँ तो 325, BLLB में 1827, BBA में 3,259, BCA में 2,956 एडमिशन हुए। अब तक 12,056 छात्रों एवं 12,951 छात्राओं ने दाखिले लिए। तो दोस्तों जैसे कि इन हालात को देखते हैं तो इस साल बहुत सीटें कम रहेंगी। अगर मेरठ की बात करूं, मेरठ में शाम तक 3,973, बागपत में 1,259, बुलंदशहर में 2,854, गौतम बुद्ध नगर में 2,602, गाज़ियाबाद में 3,933, हापुड़ में 1,448, मुजफ्फरनगर में 3,063 और सहारनपुर में 4,765 सबसे ज़्यादा, और शामली में 1,150 छात्र छात्राओं ने एडमिशन ले लिए। दोस्तों इस बार, मतलब ये थी दो दिन की रिपोर्ट। अब बात करता हूँ इनसे हटकर 16 तारीख तक एडमिशन होंगे, अगर जिन्होंने एडमिशन नहीं लिए तो वो जाकर ले सकते हैं। दोस्तों कुछ स्टूडेंट की कमेंट आती है कि सर कॉलेज में तो नाम आ गया पर उस कॉलेज में मेरा नाम नहीं आया जिसमें मैं लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने एडमिशन ले लिया तो ठीक है, नहीं तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरिट क्या सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम बिल्कुल भी नहीं आना। हाँ आपको ओपन में मौका मिल सकता है, मौका इसलिए मिल सकता है क्योंकि इस साल सीटें खाली रहेगी, हो सकता है आप जिस कॉलेज में लेना चाह रहे हो उसमें सीट खाली हुई तो ओपन में मौका मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर उस कॉलेज में सीट खाली ना हो पाई, यानी हो सकता है कुछ कॉलेज भर जाते हैं, तो आपका एडमिशन फिर ओपन मेरिट में नहीं होएगा। इसलिए अगर आप लेना चाहते हो पहले में तो ले सकते हो। बट एक बात और है कि अगर आपने पहले कॉलेज में एडमिशन ले लिया यानी जिसमें सिलेक्शन हुआ, तो फिर आप उसको कैंसिल भी नहीं करा सकते और कैंसिल कराकर दूसरे में नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है, एक बार आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको फिर बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कुछ भी अगर आपको एक काम की छोटे से ज़रूरत पड़ जाती है तो लगभग आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब ये तो एडमिशन की बात है, इसमें तो इतनी मारामारी होती है, खैर इस साल नहीं है क्योंकि बात करता हूँ 200,000 सीट है पूरी यूनिवर्सिटी में, मतलब ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिनके निकले थे, 200,000 सीटों में से 130,000 का कुल रजिस्ट्रेशन हुआ है। और दोस्तों मैं इनमें से बात करूँ लगभग 10,000 तो ऐसे हैं जिनके एडमिशन अपने आप छोड़ देंगे
या कुछ अदर कॉलेजों में चॉइस बदल जाती है। अब ये देख लो कि कम से कम 70-80 हज़ार सीटें खाली रहेंगी, इसलिए बात करता हूँ कि अगर आप पहले में नहीं लोगे तो दूसरे में आपका नाम नहीं आएगा, हो सकता है ओपन में आ जाए। अगर उस कॉलेज की जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हैं अगर सीटें खाली हुई उस कंडीशन में। तो अभी तक के लिए इतना ही, जैसे ही नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, जो दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट लगी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही लगी, ओपन नहीं लगेगी, क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी ने कहा था कि वो एक मेरिट लगाएगी, बाकी दो ओपन लगेंगी कॉलेज की ओर से। बट अब यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय बदल दिया था इसलिए क्योंकि अगर दूसरी मेरिट कॉलेज निकालेगा तो एडमिशन में बहुत टाइम लगता था, इसलिए वो उन्होंने टाइम बचाने के चक्कर में सेकंड मेरिट लिस्ट भी यूनिवर्सिटी खुद ही निकालेगी। हो सकता है तीसरी मेरिट लिस्ट ओपन मेरिट होगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, उस पर यूनिवर्सिटी ने निर्णय नहीं लिया है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि वो ओपन ही होगी। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।